नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। वार्ड 1, 2, 9 व 10 में वन विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए विभाग द्वारा कवायद शुरू कर दी गई है। 2 दिन पूर्व विभाग ने नगरपालिका द्वारा बनाई गई सड़क को भी तोड़ दिया था तथा सर्वे कर 35 अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है। विभाग द्वारा दिए गए समय पर यदि इन लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विभाग कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई के दौरान आने वाला खर्च भी अतिक्रमणकर्ताओं से वसूल किया जाएगा। मामले के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 1, 2, 9 व 10 से वन विभाग की भूमि सटी हुई है। इस भूमि पर बसी आबादी के आवागमन के लिए करीब 1 वर्ष पूर्व नगर पालिका द्वारा सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया था। उस दौरान वन विभाग ने पालिका को पत्र प्रेषित कर भूमि उनके अधीनस्थ होने का दावा किया था, लेकिन पालिका ने अपनी बात कहते हुए उक्त भूमि को पालिका क्षेत्र के अधीनस्थ बताया। दोनों विभागों द्वारा प्रशासन की मध्यस्थता में भूमि का सीमांकन करवाया गया, तब उक्त भूमि वन विभाग के अधीनस्थ होना पाया गया। बार बार संपर्क पोर्टल पर शिकायतें दर्ज होने तथा अतिक्रमण बढ़ने पर विभाग ने 2 दिन पूर्व कार्रवाई करते हुए उक्त स्थान पर पालिका द्वारा निर्मित सड़क को जेसीबी से तोड़ दिया। साथ ही सर्वे कर क्षेत्र में 35 अतिक्रमण भी चिन्हित किए हैं, जिन्हें हटाने के लिए वन विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया। रेंजर नागेश पुरोहित ने बताया कि यदि उक्त लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान जो राशि खर्च होगी उसे अतिक्रमणकर्ताओं से वसूल किया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए शीघ्र ही एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा। अधिकारियों के निर्देशों अनुसार और संपर्क पोर्टल की शिकायत के आधार पर ही वन भूमि पर बनी अवैध सड़क हटाई गई थी। इसके साथ ही जो वन भूमि पर कच्चे बाड़े बने हुए हैं उनको भी हटाने के लिए नोटिस दे दिए गए हैं। और हमें ऊपर सख्त निर्देश है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो भी उसमें आरोपी है उनके खिलाफ यदि उन्होंने मना किया तो उनका कार्रवाई भी की जाएगी, और जो भी खर्चा तोड़ने का आता है वो उनसे लिया जाएगा। एनवेशन अभी भी चल रहा है, हमारे अधिकारी अभी भी घूम रहे हैं और सब काम चल रहा है और कार्रवाई होगी, इस संबंध में जरूर कार्रवाई होगी। वन विभाग ने उन्हें रातों रात रोकने की कोशिश की थी। हमारे उस समय के सहायक वन पास सुशील कुमार ने लेटर भी दिया था, उसी दिन लेटर दिया था उनको, लेकिन उन्होंने माना नहीं और वो उस समय राजनीतिक दबाव के कारण नगर पालिका ने वो सड़क नहीं हटाई। उसके बाद ये शिकायत संपर्क पोर्टल पर लगातार चलती है और हमें लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था, तो हमने भी कई बार नगर पालिका को कहा, लगा उन्होंने कहा कि ये ज़मीन वन विभाग की नहीं है, तो इसके लिए हमने संयुक्त सर्वे करवाया जिसमें ये पाया गया कि ये ज़मीन वन विभाग की है और उन्होंने भी मान लिया ये ज़मीन वन विभाग की है। उसके बाद ये संपर्क पोर्टल में बार बार शिकायतों के बाद और हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार फिर ये कार्रवाई की गई।